Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. So this is your lesson of computer science. So today we are going to start a new topic, that is macromedia flash. Can anyone repeat? What is the name? Right, macromedia flash. Okay, so first of all, can anyone tell me what is the basic purpose of using macromedia flash? For example, let me type the name here. The name of software we are going to use is macromedia flash. Is it clear? ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है मैक्रोमीडिया फ्लैश. सो नाउ मनहा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर? इस प्रोग्राम को हम क्यों यूज कर रहे हैं? राइट, मैक्रोमीडिया फ्लैश इज बेसिकली अ प्रोग्राम विच इज यूज टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ मोशन. अगर आपने वीडियोस क्रिएट करनी है, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करनी है दैट इज़ बेस्ड ऑन मोशन और एनिमेशन, देन सिंपली वी कैन यूज मैक्रोमीडिया फ्लैश. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज बेसिकली योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अबू बकर यासिर, कैन यू टेल मी व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? राइट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका बेसिकली एक स्पेशल पर्पस है. फॉर एग्जांपल, मैक्रोमीडिया फ्लैश से हम सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड मीडिया को इजीली क्रिएट कर सकते हैं. मीडिया क्या है? आपके पास कोई भी पिक्चर है, कोई भी वीडियो हो सकती है. सो वी कैन क्रिएट ईजिली एनिमेटेड मीडिया, इंटरेक्टिव मीडिया विद द हेल्प ऑफ फ्लैश मैक्रोमीडिया. इज इट क्लियर? सो जैसे ही आप इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, आपको ऐसा ऐसा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने एट द एंड इसे करना क्या है. सो नाउ लेट स्टार्ट इट. सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन योर स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एंड दिस एज यू कैन सी देर इज रिटन मैक्रोमीडिया एंड देर इज रिटन मैक्रोमीडिया फ्लैश 8. व्हेन यू सिंपली क्लिक ऑन मैक्रोमीडिया फ्लैश 8, so this kind of interface will appear on your screen. Is it clear? जब आप Macromedia Flash program को open करेंगे तो आपके पास इस किस्म की screen appear होगी आपकी screen पर. Is it clear class? Okay. So first of all, here you can see multiple options, like if you want to open the previous file. ये जो डायलॉग बॉक्सेज हैं, पैन है, इसको हम बाद में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू लुक दिस सेंट्रल पोर्शन. सो ओपन इज यूज इफ यू वॉन्ट टू ओपन द प्रीवियस डॉक्यूमेंट. सिमिलरली दीज आर यूज इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, देन सिंपली यू हैव टू यूज दिस ऑप्शन ऑफ क्रिएट न्यू. इज इट क्लियर क्लास? एंड हेयर वी हैव मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पलेट्स. हम इन टेम्पलेट्स को भी यूज करेंगे नेक्स्ट लेसन में, बट टुडे वी आर गोइंग टू सी द बेसिक इंटरफेस ऑफ मैक्रोमीडिया फ्लैश. मैक्रोमीडिया फ्लैश का बेसिक इंटरफेस क्या है? सो फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट. ओके, सो जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, दिस काइंड ऑफ इंटरफेस विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. And here you can see there are different tools, there are some bars. So before starting the topic, जब हम animation create करें, उससे पहले आपने एक चीज़ note कर लेनी है. आपने इनके जितने भी tools हैं, tabs हैं, उसका use किस purpose के लिए, definitely अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो ही आप आगे जाके इसमें काम कर सकते हैं. Is it clear? So first of all, let's start. हम इसका basic layout देखते हैं. So here, as you can see, what is written here? Muqaddas, can you tell me? Right, there is written tools. So here we have some tools, some elements which we can use to create animation.
इन टूल्स को यूज़ करके हम इजीली एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव हेयर सम बार्स, फाइल, एडिट, व्यू. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बार? इस बार का नेम क्या है जिस पर ये सारी टैब्स अपीयर हो रही हैं? खदीजा जुबैर, कैन यू टेल मी? राइट, दिस इज बेसिकली नोन एज मेन्यू बार. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर मेन्यू बार जिसमें आपके पास ऑप्शंस अपीयर हैं, टेक्स्ट, कमांड्स, इंसर्ट इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी पिक्चर, इफ यू वांट टू लुक योर पेज हाउ इट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, फाइल, एडिट. सो हम इनको बारी बारी यूज करेंगे वन बाय वन. आफ्टर दैट ये मेरे पास एक टूल्स की टैब है, दिस वन इज योर मेन्यू बार. आफ्टर दैट वी हैव, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 1, 5, 10, 15, 20, 25, ये सारी नंबरिंग दी हुई है यहाँ पर, ऐसे ही है. सो कैन एनीवन टेल मी कि इन इस नंबरिंग का यूज क्या है? हु विल टेल मी क्लास? समीहा, कैन यू टेल मी? राइट, सो बेसिकली टाइमलाइन, इसका नेम है टाइमलाइन. ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर डिफरेंट टाइम इंटरवल दिया हुआ है, 1, 5, 15. तो बेसिकली आप टाइम इंटरवल यहाँ पर आपने सेट करना है. तो टाइम इंटरवल का मतलब क्या है कि आप अगर कोई एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उस एनिमेशन ने आपकी स्क्रीन पर कितनी देर स्टे करना है. ठीक है, और आप उसको जितना भी टाइम सेट करेंगे उतनी देर के लिए आपकी वो स्क्रीन पर अपीयर होगी. सो दीज आर बेसिकली नोन एज योर फ्रेम. आफ्टर दैट वी हैव अ बॉक्स एट द सेंटर ऑफ योर पेज. ओके, ये आपको एक ग्रीन वाइट कलर का ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है. सो नाउ कैन एनीवन टेल मी, एज यू कैन सी दिस वाइट ब्लैंक स्क्वायर एरिया. So now who will tell me what is the name of this area? Right, very good. This is known as your stage. इसका नेम क्या है? स्टेज. और स्टेज हम क्यों यूज कर रहे हैं या बेसिकली हम इस स्टेज पर क्या करेंगे? हादिया, कैन यू टेल मी? हादिया समीउल्ला, राइट. स्टेज इज बेसिकली यूज जब आपने जितनी भी एनिमेशन ड्रॉ करनी है, इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोज, देन सिंपली आप इस एरिया पर काम करेंगे, ऑन दिस स्टेज. इज इट क्लियर? तो स्टेज पर आप काम करेंगे और डिफरेंट टूल्स को यूज करेंगे. इज इट क्लियर क्लास? ओके, सो एज यू कैन सी देयर इज अ ऑप्शन रिटन ओवर हेयर प्रॉपर्टीज. सो इस प्रॉपर्टीज का बेसिकली यूज क्या है? राइट, प्रॉपर्टीज इसलिए हम यूज करते हैं कि आपने अपना जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें, उसकी अगर आप पेज का साइज चेंज करना चाहें, या आप यहाँ से फ्रेम का रेट चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड का कलर अगर आप चेंज करना चाहें, देन ईजिली यू कैन डन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन प्रॉपर्टीज. एज यू कैन सी दिस इज रिटन ओवर हेयर प्रॉपर्टीज. सो इस स्टेज पर आप जो भी काम करेंगे आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इस एरिया से आप टूल्स अपने चूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? लाइक ये देखें, यहाँ से फिलहाल मैंने ओवल पर क्लिक किया, दिस इज योर ओवल शेप और दिस इज योर ओवल टूल. अब जैसे ही मैं ओवल मैंने यहाँ पर शेप ड्रॉ की है तो यहाँ पर उससे रिलेटेड मेरी सारी ऑप्शंस सेटिंग में अपीयर हो रही हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं. अगेन इफ यू विल ड्रा सो इट विल लाइक ब्राउन. सो दिस एरिया इज नोन एज योर स्टेज, और ये जो एरिया है दैट इज नोन एज योर प्रॉपर्टीज. इज इट क्लियर क्लास? ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट्स सी कि हम एक बॉल की मूवमेंट को किस तरह से शो कर सकते हैं. सो आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त एक जो स्टेज कलर नज़र आ रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन ग्रीन. तो हम सिंपली न्यू पेज लेंगे यहाँ से. आई विल जस्ट प्रेस न्यू और ओके. इज इट क्लियर? सो एक मूवमेंट को शो करने के लिए अब हम सिंपली क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू. आई विल फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू अ स्मॉल एग्जांपल. यू जस्ट हैव टू चूज ओवल शेप. मैंने ओवल शेप चूज की है इस वक्त. इज इट क्लियर? दिस इज बेसिकली योर सर्कल एंड यू कैन चेंज द कलर. फॉर एग्जाम्पल आई विल चूज, मैं यहाँ से कलर चूज कर लेती हूँ. इज इट क्लियर? ये यहाँ पर आपके पास जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. ये कलर्स की आपको थीम नज़र आ रहे हैं. इज इट क्लियर? आपने सिंपली सर्कल ड्रॉ करना है और ऑटोमेटिकली वो उस ग्रेडियंट को चूज़ कर लेगा. सो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कलर है फ्रॉम लाइट टू डार्क. एंड पर डार्क कलर है और सेंटर में लाइट कलर है जो कि रेड फॉर्म है. सो दिस इज नोन एज बेसिकली योर ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या होता है? जब आपका कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम हाइएस्ट टू लोवेस्ट पोर्शन और फ्रॉम लोवेस्ट टू हायर पोर्शन. सो नाउ व्हाट वी विल डू, लेट मी टेल यू अगेन. सिंपली आप ओवल शेप चूज कर लें, स्क्वायर शेप चूज कर लें, कोई भी शेप चूज़ कर लें. यहाँ से आपने शेप सेलेक्ट करके अपना कलर चूज़ करना है. आप कोई भी कलर चूज़ कर लें. और यहाँ पर है कि कलर किस किस्म का आपको चाहिए. अगर आप चूज़ करेंगे ये तो आपको सिंपल कलर मिलेंगे. अगर आप इसको चूज़ करते हो तो आपको मल्टीपल कलर मिलेंगे एक साथ. इज इट क्लियर? सो फॉर नाउ व्हाट वी विल डू, आई विल चूज़ दिस रेड कलर. और मैंने यहाँ पर सिंपली एक बॉल ड्रॉ कर दी. Is it clear? Okay, so now what we will do? आपने simply एक ball draw कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है. So now what you have to do, अगर आपने एक ball को draw कर लिया है, now what you have to do, अब आपने करना क्या है. You just have to use this tool. आपने इन tools की मदद से अपनी drawing create करनी है, अपनी motion create करनी है, motion frame design करना है. What is motion? जिसमें कोई ना कोई movement हो. ठीक है, हम पेंट में क्या करते हैं, पेंट में मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक कोई शेप ड्रॉ की, आई विल ड्रॉ अ शेप. सो एज यू कैन सी मैंने सिंपली इसमें क्या कर दिया, कलर फिल कर दिया. बस मेरी शेप कंप्लीट होगी. आप किसी भी किस्म की ड्राइंग करें पेंट में तो आप सिंपली उसमें क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ शेप्स उसमें कलर कर सकते हैं एट द एंड दिस. तो अगर आप पेंट में क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कलरिंग कर सकते हैं. बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे मेरी ये जो शेप है मेरी स्क्रीन पर मूव करती नजर आए, सो वी कैन डू दिस इन मैक्रोमीडिया फ्लैश. इज इट क्लियर? सो एक तरह से आपने अपनी शेप्स की, अपनी इमेजेस की, अपने टेक्स्ट की मूवमेंट को शो करने के लिए क्या यूज़ करना है, सिंपली मैक्रोमीडिया फ्लैश. तो देखिए मैंने बॉल ड्रॉ कर लिए और सिंपली अब हम किस तरह से इसकी मूवमेंट शो करेंगे कि मेरी जो बॉल है मुझे वो मेरी स्क्रीन पर मूव करती नजर आए. सो वट वी विल डू, आई विल जस्ट यूज दिस सिलेक्शन टूल. मैंने अपनी इस बॉल को सिलेक्ट कर लिया. एज यू कैन सी अब आपकी जो आपको बॉल नजर आ रही है स्क्रीन पर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स. सो दैट मीन्स कि अब आपकी बॉल सिलेक्ट हो चुकी है. नाउ यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन है फ्रेम. अब आपकी जो बॉल है वो आपकी स्क्रीन पर कितना टाइम मूव करें या किस जगह पर कितनी देर स्टे करें, ये टाइम अब आपने यहाँ पर सेट करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहती हूँ 5 सेकंड स्टे करें और यहाँ पर मैंने कर दिया इंसर्ट की फ्रेम. इज इट क्लियर? मैं कहती हूँ 5 सेकंड आकर इधर स्टे करें. अगेन नेक्स्ट आई विल क्लिक हेयर. अगेन मैं कहती हूँ 4 सेकंड यहाँ पर मूव करें, इस जगह पर रहें. अगेन इंसर्ट की फ्रेम. और आपने सिंपली क्या करना है, की फ्रेम को इंसर्ट करना है. जस्ट सिंपली सेलेक्ट योर बॉल, आपने उसको मूव करना है एंड यू जस्ट हैव टू यूज इंसर्ट योर की फ्रेम. इज इट क्लियर? सो नाउ वी विल सी कि मेरे पास यहाँ पर जो मैंने टाइम इंटरवल ऐड कर लिया है, हाउ माई बॉल कैन मूव. सो सिंपली एज यू कैन सी देर इज़ अ ऑप्शन ऑफ कंट्रोल एंड देर इज़ अ बटन ऑफ प्ले, देर इज़ अ
बटन ऑफ टेस्ट मूवी, हम टेस्ट करते हैं कि मेरे पास जो मैंने मोशन क्रिएट किया वो किस तरह से शो होगी. सिंपली जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ टेस्ट मूवी. सो एज यू कैन सी कि आपने जहाँ जहाँ बॉल को मूव करवाया था उस जगह पर आपकी जो बॉल है वो मूव कर रही है. इज इट क्लियर? सो इस किस्म की हम एनिमेशन को क्रिएट करेंगे इन मैक्रोमीडिया फ्लैश. सो आई होप अब आपके माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज एनिमेशन. एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन इज एनीथिंग दैट इज विद मूवमेंट. आपके पास कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है, जिसको जब हम एनिमेशन में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज वो अपनी मूवमेंट शो करेगी. ठीक है, जैसे इस वक्त पेंट में हमने अगर पिक्चर ड्रॉ की है, उसमें कलर किया है, सो एज यू कैन सी एट द एंड इट विल ओनली बी पिक्चर. ये पिक्चर ही रहेगी, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब होगा क्या कि मूवमेंट शो करने के लिए हम सिंपली क्या यूज करेंगे? मैक्रोमीडिया फ्लैश. तो अब ये देखें, जहां पर आपने जितनी देर जितना इंटरवल सेट किया था, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इंटरवल कम था, सो दैट मीन्स उस जगह पर वो जो बॉल है वो कम टाइम स्टे करेगी. मैं लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल. अगेन मैं ज़्यादा इंटरवल चूज कर लेती हूँ. इज इट क्लियर? आई विल इंसर्ट की फ्रेम. मैंने अपनी बॉल को एट द एंड मूव करवा दिया इस पोर्शन में. ठीक है, ओके. नाउ अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड टेस्ट मूवी. सो अब आपने नोट करना है कि एट द एंड मेरे पास जो बॉल है, अब ये देखें यहाँ पर काफ़ी टाइम स्टे किया. इज इट क्लियर? सो ऑल वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ मैक्रोमीडिया फ्लैश. सो आई होप क्लास दिस टॉपिक इज क्लियर कि मैक्रोमीडिया फ्लैश क्या है. एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं. देयर कैन बी मोशन इन योर पिक्चर्स, इन योर टेक्स्ट, और आप अपनी पिक्चर्स को मूव करवा के उसकी मोशन को शो कर सकते हैं, मूवमेंट को शो कर सकते हैं. इज इट क्लियर? आज मैंने आपको सिंपल एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें मैंने एक बॉल ड्रॉ की है और उसका हमने सिंपली टाइम इंटरवल सेट किया. जिस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर टाइम इंटरवल ज़्यादा है, दैट मीन्स दिस ऑन दिस पॉइंट द बॉल विल स्टे ऑन योर लार्जर पोर्शन. जो बॉल है वो आपकी ज़्यादा टाइम स्टे करेगी इस पॉइंट पर. और अगर आप कम इंटरवल शो करते हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो बॉल है वो उस टाइम पे कम टाइम स्टे करेगी. सो आज के लेसन में आपने सिंपली इस चीज़ को रिवाइज करना है. इसके अलावा मैं इसका सेटअप गूगल क्लासरूम पर शेयर कर दूंगी. आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप ज़रूरत पड़ती है तो आपको सेटअप मैं शेयर कर दूंगी गूगल क्लासरूम में. इज इट क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू इन टूडेज लेसन, आपने एक तो इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना है. वो अगर आपको ट्रायल वर्जन देगा तो सिंपली आप मेरे से उसका सेटअप ले सकते हैं. आई विल ऑल्सो शेयर इन गूगल क्लासरूम. द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू ओपन मैक्रोमीडिया फ्लैश. और उसके बाद आपने इन टूल्स के नेम याद करने हैं. जैसे ही आप उस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं भी करते हैं, बस अपना माउस पॉइंटर मूव करते हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा आ रहा है, जैसे ही मैंने इस ए पर अपना माउस पॉइंटर रखा है या स्टे किया है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ लिखा आ रहा है टेक्स्ट टूल. सिमिलरली अगर मैंने इधर किया है तो ओवल टूल. दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज पेंसिल, दिस इज ब्रश, दिस वन इंक बॉटल. अब देखें, जैसे ही मैंने इस टूल पर क्लिक किया तो उससे रिलेटेड मुझे ऑप्शंस भी नीचे शो होंगी. अगर मैं इरेजर पर क्लिक करती हूँ तो मुझे इरेजर भी वो शो कर रहा है कि इरेजर आपको किस तरह की चाहिए. एज यू कैन सी, अगर यहाँ से आप इसका विड्थ है वो कम कर लेंगे तो आप इस तरह भी इरेज कर सकते हैं. इज इट क्लियर क्लास? सो दिस वन यू हैव हैंड टूल. सो ये सारे आपके पास टूल्स हैं. दिस एरिया इज नोन एज योर टाइम लाइन. यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम लाइन. दिस सेक्शन इज नोन एज योर प्रॉपर्टीज. आप इस पर सिंपली क्लिक करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पर क्लोज कर देते हैं तो आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के नेम से. इज इट क्लियर? ओके. सो सिंपली इस एरिया को फिलहाल हमने नहीं देखा. आपने क्या करना है, आपने एक बॉल ड्रॉ करनी है
और उसकी मूवमेंट को शो कर देना है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, आपने इधर राइट क्लिक किया, सबसे पहले आपने क्या करना है, बोल ड्रॉ कर लें, देन सेलेक्ट योर शेप और अपने फ्रेम को सिलेक्ट करना है। जस्ट सेलेक्ट योर इंसर्ट की फ्रेम। इंसर्ट की फ्रेम का मतलब है कि आप इस जगह पर अपने पोर्शन को, अपनी बॉल को, अपने एलिमेंट को स्टॉप करना चाह रहे हैं या स्टे करवाना चाह रहे हैं। सिंपली क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ इंसर्ट की फ्रेम। इज इट क्लियर? यू जस्ट हैव टू मूव योर बॉल। आप जिस भी लोकेशन पर, जिस भी डायरेक्शन पर मूव करेंगे, वहाँ वो बॉल ईजिली मूव हो जाएगी। इज इट क्लियर क्लास? सो नाउ इस वक्त मैंने टू बॉल्स ड्रॉ कर ली हैं। सिंपली आई विल सेलेक्ट देम और मैंने एट द एंड इसको क्रिएट करवा दिया इंसर्ट की फ्रेम। सो नाउ व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ कमांड्स कंट्रोल एंड हियर इज अ ऑप्शन ऑफ टेस्ट मूवी। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, सो एज यू कैन सी देयर इज अ मूवमेंट ऑफ योर बॉल। यहाँ पर आपके पास आपकी बॉल की मूवमेंट शो हो रही है। एट द एंड आपके पास यहाँ पर टू बॉल्स अपीयर होंगी बिकॉज लास्ट वाले फ्रेम में मैंने टू बॉल्स क्रिएट कर दी थी। इज इट क्लियर? सो नाउ सिंपली जस्ट वॉच दिस वीडियो लेसन एंड डू द प्रैक्टिस इन योर कंप्यूटर। एंड एज यू ऑल नो देर इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिटन वर्क और कॉपी वर्क। सो सिंपली वॉच दिस वीडियो लेसन वेरी केयरफुली। आई कैन आस्क अ क्वेश्चन इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स दैट विल हेल्ड इन ऑन योर स्कूल। सो मेक श्योर कि आपको बेसिक इसके इंटरफेस का पता हो। दिस इज दीज आर नोन एज योर टूल्स। इस टूल का यूज़ किया है, इस टूल का यूज़ किया है। आई कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस। दिस एरिया इज नोन एज योर फ्रेम और आपने किस तरह से एनिमेशन शो करनी है। इज इट क्लियर? सो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस लेसन देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप और इन गूगल क्लासरूम। सो टिल देन जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ योर दिस टॉपिक एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।